उमरा पुलिस स्टेशन की हद में वास्तु लग्जरिया अपार्टमेंट्स में प्रियंका धर्मेश भाई कोठारी ने 28 तारीख को फरियाद किया कि उनके घर से कुछ दागीना और कुछ केस चोरी हुआ है। बाद में जब वेरिफिकेशन किया गया तो करीब 10 लाख का सारा जो मुद्दा माल है वो उनके घर से चोरी हुआ था और सीसीटीवी फुटेज वगैरह इसके लिए चेक किए गए तो पता लगा कि थर्ड फ्लोर पे उसी बिल्डिंग में थर्ड फ्लोर पे चांदमल जी रहते हैं। उनके राजस्थान के निवासी हैं और अपने गांव से एक माइनर बच्चे को अपने पोते के साथ खेलने के लिए लाए थे। तो वो जो माइनर बच्चा है वो ही उनके बाथरूम की खिड़की से निकल के और फर्स्ट फ्लोर के बाथरूम तक बाहर से आया पाइप के सहारे और अंदर घुस के उसने ये जो है दागिना और कैश है वो चोरी किया था। और बाद में जो जुवेनाइल है उसको अभी पुलिस के साथ में है और उसको जेजेबी के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा और मुद्दा माल है वो सारा रिकवर कर लिया गया है और अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है। रीज़न उस पूछताछ में उसने बताया कि उसको मोबाइल फ़ोन लेना था गेम खेलने के लिए और सीआईडी क्राइम का वो बहुत शौकीन था देखने का तो वो उसको मोबाइल में देखने था तो इसीलिए उसने ये चोरी किया। पुलिस आरोपी तक कैसे पहुंची? वहाँ पे एक हमें फुटप्रिंट मिला था तो वो फुटप्रिंट जो बाथरूम में वो लड़का इनके यहाँ पे प्रियंका जी के यहाँ पे जिस बाथरूम में निकला उस बाथरूम को वो रेगुलर यूज़ नहीं करते थे तो उसमें मिट्टी जमी हुई थी और उसमें फुटप्रिंट मिले। तो बाद में हमारे पिपलोद चौकी की जो टीम है उन्होंने वो फुटप्रिंट एफएसएल के साथ उनकी मदद से वो मैच करवाने की कोशिश की तो बाद में उस फुटप्रिंट को देख के इस बच्चे पे शक हुआ तो कई देर तक इससे पूछताछ की गई, प्यार से काफ़ी बार पूछा गया तो बाद में उसने कबूल कर लिया कि ऐसे ऐसे मैंने चोरी किए। और उसने जो बाथरूम वो यूज करता था उसमें कमोड के ऊपर उसने ये सारा चोरी करने के बाद में गहना और ये कैश छुपा दिया था तो वहीं से रिकवर भी हो गया। 13 13 13 साल 13 साल